ओम साई राम। आज का साई उपदेश, जो प्राणी लालच रखता है उसके ना ही तो आज का पता रहता है और ना ही उसके कल का पता रहता है, क्योंकि लालच रखने वाला प्राणी अपना आज भी गवा देता है और कल भी गवा देता है। उससे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, एक ही वस्तु उसे सिर्फ दिखाई देती है। जो सिर्फ लालच होता है उसे लालच के समान कोई भी दिखाई नहीं देता है। उसे ना मुझ में फ़र्क समझता है वो, ना इंसान में ना ही लालच में। वो लालच को अपना भगवान मान बैठता है और वो लालच को ही अपना भगवान समझ लेता है। लालच के इतना अधीन हो जाता है वो कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। लालच वाला मनुष्य कभी अपने आप को सुखी नहीं रख पाता है, ना ही वो अपने मन को कभी स्थिर रख पाता है, क्योंकि लालच जो व्यक्ति करता है उसके अंदर अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि लालच ही हमें उस जगह तक ले जाता है जहाँ जाके हमें हम अपने आप को भी भूलना पड़ता है, हमें और ईश्वर को भी भूलना पड़ता है। ईश्वर की प्राप्ति हमें लालच कभी नहीं करने देता है, क्योंकि लालच खुद एक भक्तिहीन होता है। उसे ना ही तो कभी भक्ति का ज्ञान होता है, ना ही कभी ईश्वर का ज्ञान होता है। उसे एक ही ज्ञान होता है कि मुझे दूसरे का माल चाहिए, कैसे भी लूँ मैं उसे। वो दूसरे के माल को हर वक्त हड़पने की कोशिश करता रहता है। वो सब कुछ भूल गया होता है, लालच के इतना अधीन हो जाता है, अपने आप को वो लालच का दास बना देता है और लालच उसे फिर जैसे चाहे वैसे चलाता है। मैं अपने सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगा, मेरे बच्चों, लालच, मोह, माया, क्रोध, इन सब से तुम जितना दूर अपने आप को रख सकते हो उतना दूर इन सब से रखने की कोशिश करा करो मेरे बच्चों, क्योंकि यही तीनों चीज़ हैं जो प्रत्येक इंसान को भक्ति से, मुझ से, एक सच्चाई से दूर कर देते हैं। और वो इंसान इन तीनों चीज़ों में इतना घिर जाता है, वो हर एक रिश्ते को, हर एक वस्तु को वो भूल जाता है और इन तीनों के समान वो किसी को नहीं समझता है। जितना भी उसके पास समय होता है वो इन तीनों में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देता है। उसे ना ही आज का पता रहता है, ना ही कल का पता रहता है। उसे तो सिर्फ इतना पता रहता है कि मुझे यहाँ से लालच है, मैं यहाँ रहूँगा। क्योंकि मेरे बच्चों, लोभ, क्रोध, मोह, माया, ये चारों एक ऐसी वस्तु हैं, हर एक इंसान को, प्रत्येक इंसान पर इनका बस चल जाता है। जो अपने मन पर काबू कर लेता है, अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेता है, जो अपने मन को जीत लेता है, वही इन पर विजयी होता है, अन्यथा किसी संत के सिवा इन पर कोई भी विजय नहीं पा सकता है। संतों ने इन्हें अपनी दासी बना के रखा है। कुछ हैं संत ऐसे जिन्होंने इस चारों को अपनी दासी बना के रखा है, और कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसने इन्हें अपना दास बनाया हो, क्योंकि हर एक को इन्होंने ही अपना दास बनाया है। मैं अपने सभी भक्तों से इसलिए यही बार बार कहना चाहता हूँ, हो सके तो इन चारों से इतना दूर होने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है ईश्वर ने तुम्हें जन्म दिया है तो वो तुम्हें भूखा रखेंगे, नहीं रखेंगे। वो तुम्हें भूखा कभी नहीं रख सकते। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। फिर हर एक वस्तु की तुम्हें प्राप्ति भी होगी, देर से हो लेकिन होगी ज़रूर। तुम्हें इनसे मोह माया धीरे धीरे हटानी ही पड़ेगी, अपने मन को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि मन हमारा इतना लालची होता है, इतना लोभी होता है, वो लालचों से इतना घिर चुका होता है कि उसे धन दौलत इतनी प्यारी हो जाती है, इतना प्यार करता है वो धन दौलत से कि उसके समान वो किसी को नहीं समझता है। ओम श्री साईं राम।